हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इन मिरेकुलस वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू ईयर, मैं हूँ सोनल एंड आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट एन आर ग्लास शेप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। फर्स्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव इन योर स्किन, बी पॉजिटिव इन योर बॉडी। ऑब्वियसली आई विल टेल यू हाउ टू गेट an hourglass shape, how to manifest an hourglass shape, but majorly keep in mind that you need to be happy the way you are. You need to be happy in your body, you need to be happy in your skin. Don't just focus on ki, don't just start comparing ki ye itni slim trim hai, main itni slim trim kyun nahi hu, iski figure itni perfect hai, why am I not that perfect, why my body is not that perfect. क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे उतना ज़्यादा आप ब्लॉकेजेस, उतनी ज़्यादा आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, यू विल रिलीज द नेगेटिविटी, यू विल गेट इनसिक्योरिटी। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे, फिर उसके बाद आप एन्जाइटी से, डिप्रेशन से, परेशानी का शिकार हो जाओगे। इन दैट केस यू इट विल गेट बेसिकली द सिचुएशन विल गेट मोर वर्स एंड वर्स, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस में यही सारी चीज़ें चलती जाएंगी। एंड इन दैट केस यू विल बी मोर नेगेटिव, और जितना ज़्यादा नेगेटिव रहोगे यू विल गिव मोर पेन टू योर बॉडी। सो जस्ट रिलीज दोस नेगेटिविटी, सो बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, फोकस ऑन पॉजिटिविटी एंड नेवर फॉरगेट दैट अ ब्यूटिफुल बॉडी इज ऑलवेज अ हेल्दी बॉडी। सो ऑलवेज बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, बी हेल्दी, बी ब्यूटिफुल, नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग इन एवरी सर्कमस्टेंसेज, इन एवरी सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही हो जाओगे। सो अगर आप, इफ़ यू थिंक नेगेटिव यू विल बी नेगेटिव, इफ़ यू थिंक पॉजिटिव यू विल बी पॉजिटिव इन लाइफ। तो आप जैसा चाहे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको वही मिलेगा, पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप वही मिलेगा। सो बेसिकली वॉट यू नीड टू डू हियर इज़ टू गेट एन आर ग्लास शेप। यू नीड टू बेसिकली ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट अ परफेक्ट बॉडी। इन दैट केस यू कैन डू अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन कर सकते हो, विजुअलाइज कीजिए कि यू कैन बी योर ओन क्रिएटर। स्टार्ट इमेजिनिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग अ पिक्चर इन योर माइंड एंड स्टार्ट डू डे ड्रीमिंग। आप आँखें बंद करके इमेजिन कीजिए एंड वाइल इमेजिनिंग दीज पिक्चर्स ना, अगर पिक्चर्स ब्लर होंगी ना तो भी चलेगा। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी ये चीज़ें। टू गेट एन आगला शेप यू नीड टू स्टार्ट इमेजिनिंग। वो सारी चीज़ें आप इमेजिन करो कि आपको कैसी शेप चाहिए, आपकी बॉडी की शेप कैसी होनी चाहिए, आपको कितना किलो, कितना केजीज अपना वजन, अपना आपको वेट अपना कम करना है। इस तरह से यू नीड टू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके आपकी एक हेल्दी बॉडी, एक परफेक्ट बॉडी हो गई है एंड आप अपने आप को उस आप ड्रेस में, उस आउटफिट में यू स्टार्ट इमेजिनिंग। सो क्रिएट द पिक्चर इन योर माइंड, बी योर ओन क्रिएटर। एंड वन थिंग आई नीड टू टेल यू दैट आई एम सो सॉरी, मेरा ना बीच बीच में एक्चुअली कैमरा बंद हो जाता है तो मुझे उसको ना अगेन आई नीड टू रीस्टार्ट इट, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ यू नीड टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपने मोस्ट ऑफ दी एक्चुअली हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि यू नीड टू लव योर सेल्फ। इफ़ यू लव योर सेल्फ योर सोल विल ऑल्सो बी हैप्पी। एंड सो पैम्पर योर सेल्फ, पैम्पर योर बॉडी। पैम्पर योर सेल्फ मीन्स नॉट इन मेडिक्योर पेडिक्योर कराने चले गए आप हेयर कटिंग, वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन पैम्पर योर सेल्फ मीन्स यू नीड टू बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू नीड टू बी ऑलवेज कीप स्माइलिंग। क्योंकि अगर आप खुद ही से प्यार नहीं करोगे तो आप यू डोंट एक्सपेक्ट कि अदर पर्सन विल ऑल्सो लव यू। सो यू नीड टू लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, अनकंडीशनली यू नीड टू लव योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट इज मिरर टेक्निक। ऑब्वियसली मिरर मेथड के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं विजुअलाइजेशन का और मिरर मेथड का, मिरर टेक्निक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वीडियो के एंड में भी मैं डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो मिरर मेथड में बेसिकली यू नीड टू से अ पॉजिटिव एफर्मेशन, जो भी आप पॉजिटिव एफर्मेशन आप बोलना चाहते हो। ये ही नहीं, अगर कोई भी टेक्निक भी आप यूज़ कर रहे हो तो मिरर मेथड, मिरर टेक्निक इज बेसिकली द बेस्ट टेक्निक मुझे अब तक लगी है, और आप इसे ज़ोर से भी बोल सकते हो, मन में भी बोल सकते हो, टोटली अप टू यू। ज़ोर से बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मन में बोलोगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज़ ज़ोर से बोलते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करती है।
बट अगर आप मन में भी बोलोगे तो भी वो बात जा रही है. इट्स जस्ट यू नीड टू, योर इंटेंशंस शुड बी राइट, यू नीड टू कीप फेथ. ट्रस्ट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था, किसी ने कमेंट सेक्शन में भी डाला था कि टेक्निक से कुछ नहीं होता. मेरे से तो कुछ नहीं हुआ टेक्निक से, बट ऑनेस्टली अगर आप फेथ रखोगे, विश्वास रखोगे, तो टेक्निक ही नहीं सब कुछ काम करती है. ऑल इज़ यू नीड ट्रस्ट, फेथ, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स. नेक्स्ट इज़ यू नीड टू टेक एन एक्शन. ऑब्वियसली आफ्टर एवरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करने के बाद आपको एक्शन लेना है. ऐसे नहीं कि अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर ली, अभी आपको बैठ जाना है. नहीं, बैठने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने अपनी टेक्निक बहुत अच्छे से कर ली, मैंने यूनिवर्स तक बात भी पहुँचा दी, मैंने लेट गो भी कर दिया, अब मैं आराम से बैठूंगा या मैं बैठूंगी, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है. आपको जो भी आपने टेक्निक यूज़ की वो धरी की धरी रह जाएगी. तो बेसिकली आफ्टर टेक्निक, एवरी टेक्निक, कोई भी टेक्निक आप यूज़ करो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, टू फुलफिल एनी ऑफ योर गोल डिज़ायर्स, जो भी आपके विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यही नहीं कोई भी कर रहे हो, तो उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. अब एक्शन का मतलब ये नहीं कि यस चलो रेडी फॉर एक्शन, नहीं, वो वाला एक्शन नहीं लेना है आपको. तो एक्शन का मतलब एक्शन इन अ हेल्दी इन अ पॉजिटिव वे. सो टू गेट दिस आवरग्लास शेप एक्शन, आपको ये लेना है कि यू नीड टू ईट हेल्दी, कट कैलोरीज, प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए, रेगुलर वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल चूज़ फूड विच हैव हाई न्यूट्रिएंट्स. एंड ये सारी चीज़ें आपको करनी. डेली वर्कआउट और डेली एक्सरसाइज को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिए. अपने अंदर एक मन बना लीजिए कि यस मुझे करना है, और मैं ये शेप से ये शेप तक, ये केजी से ये इतने कीजिए केजीज को मैं कम करूँगी और मैं इतने शेप पर आ ही जाऊँगी. चाहे किसी को मुझ पर विश्वास हो या ना हो, बट खुद पर विश्वास होना, खुद पर फोकस्ड होना. अगर आप फोकस्ड हो, आपको खुद पर विश्वास है, इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड इफ़ यू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, Nobody can stop you. किसी के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. And yes, again, love yourself unconditionally. And more importantly is to get an hourglass shape, you need loads and loads of patience. कोई भी टेक्निक को आप कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, तो definitely patience is very, very, very important. Patience is the key to success in each and every aspects of our life. चाहे हम कुछ भी कर रहे, चाहे वो हमारी personal growth के लिए हो, professional growth के लिए हो, patience is must. And more importantly, I would like to say that don't push yourself, don't force yourself to get this an hourglass shape. Just be happy and follow these simple steps. So, आज की वीडियो के लिए इतना ही. मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर. अगर if you have any doubt, any queries, so आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको Instagram पे भी मिल जाऊँगी. और आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज़ सोनल अग्रवाल वर्मा सेइंग बाय बाय. लव यू.